फाइबर मैट्रिक्स बनाना है। यदि हम बात करें प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये सेमी होती हैं, जिनके सिक्रेशन से फाइबर और मैट्रिक्स भी बन जाता है, जिनको हम कि फाइबर मॉडिफाइड होके इलास्टिक फाइबर, कोलेजन फाइबर, इलास्टिकल फाइबर बना देगा, और मैट्रिक्स मॉडिफाइड होकर अलग अलग मैट्रिक्स बना देगा, तो इसी के सिक्रेशन है। तो इनमें सात टाइप की सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट, प्लाज्मा सेल, मेसेनकाइमल मास्ट सेल, ठीक है, और भी हैं आगे देखेंगे अपन, मास्ट लिम्फोसाइट सेल, मोनोसाइट सेल, है ना, ये अलग अलग सेल्स हैं। उनमें से अभी आपको सबसे पहले देखना है फाइब्रोब्लास्ट सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है फाइब्रोब्लास्ट सेल। सबसे पहले फाइब्रोब्लास्ट सेल का हम डायग्राम बनाएंगे कि कैसे दिखती है। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल नेम भी हमारी ऐसे होती है, ये होगी फाइब्रोब्लास्ट सेल। लेकिन फाइब्रोब्लास्ट सेल में क्या होता है, सिक्रीशन की वजह से कुछ ऐसे उभार निकल जाते हैं सिक्रीशन, कुछ ऐसे उभार करके आ जाते हैं, ठीक है। कुछ ये शेप होता है फाइब्रोब्लास्ट सेल का। सबसे पहले लार्ज सेल इन कनेक्टिव टिश्यू, पूरे कनेक्टिव टिश्यू में सबसे लार्जेस्ट सेल होती है फाइब्रोब्लास्ट। मैक्सिमम नंबर में बहुत सारी होती है, सबसे ज़्यादा फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, इसलिए दोनों पॉइंट नीट के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें एक शेप होती है, ठीक है, एक शेप प्रोसेस होने की मतलब इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं चेंज हो जाती है। दूसरा इसके बाद एंडोप्लाज्म की रेटिकुलम होता है, आप यदि सेल है तो इसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। फिर इसके बाद में क्या होते हैं, ऐसे वेसाइकल्स टाइप के, वेसाइकल में ऐसे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं, ये हो जाता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यदि है, इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं ना कहीं क्या होंगे, राइबोसोम। जब राइबोसोम की वेसाइकल में अटैच है तब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना, ठीक है। और यह तब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है हेड शेप। तो ये क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये प्रोटीन आगे सिक्रीट जब होते हैं तो फाइबर और मैट्रिक्स बना देते हैं, अभी हमको वहाँ नहीं जाना है, क्लियर। ये हो गया हमारा कि एक शेप मतलब जो इसका होता है, एक शेप होता है सेंटर में न्यूक्लियस होगा, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, सेल में रहेगा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, यहाँ साइटोप्लाज्म बना होता है, साइटोप्लाज्म भी रहता है इसके, ठीक है। उसके बाद कौन से फाइब्रोब्लास्ट और इस फाइब्रोसाइट, जो पुरानी फाइब्रोब्लास्ट होती है उनको हम फाइब्रोसाइट भी बोलते हैं, ये भी एग्जाम में आता है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है ये मॉडिफाइड होकर दो सेल और बनाती है, फाइब्रोब्लास्ट मॉडिफाइड होकर दो सेल और बनाती है, एक को बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और कॉन्डियोब्लास्ट, कॉन्डियोब्लास्ट। जो ओस्टियोब्लास्ट से होती है ये आगे चलकर बोन फॉर्मेशन करती है, क्या होती है, बोन फॉर्मेशन। और जो कॉन्डियोब्लास्ट से होती है ये कार्टिलेज फॉर्मेशन। अब अंदाजा लगा लीजिए, हमने बोला था हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा फाइब्रोब्लास्ट होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो बोन बन रही है तो फाइब्रोब्लास्ट मॉडिफाइड हो जाएगी ऑस्टियोब्लास्ट में, और ऑस्टियोब्लास्ट क्या बनाती है, बोन, और ये बनाती है कार्टिलेज से, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, और ये नींद के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल हमारा कौन सा है, फाइब्रोब्लास्ट, क्लियर। अब फाइब्रोब्लास्ट में एक चीज़ और याद रखो, ऑस्टियोब्लास्ट सेल बोन फॉर्मेशन करती है, हमारे एनसीआर में नहीं दिया है, एक और सेल होती है ऑस्टियोब्लास्ट, नाम सुने हो गए, ऑस्टियोब्लास्ट ये करती है किल द बोन, याद रखना। मैं तीन पॉइंट बोलता हूँ, ओल्ड फाइब्रोब्लास्ट को फाइब्रोसाइट बोलते हैं, फाइब्रोब्लास्ट मॉडिफाइड होकर एक बनाती है ऑस्टियोब्लास्ट, एक बनाती है कॉन्डियोब्लास्ट,
ऑस्टियोब्लास्ट से जो होती है क्या बनाएगी बोन और कॉन्डियोब्लास्ट बनाएगी कार्टिलेज, ठीक है। फिर क्या होता है यही ऑस्टियोब्लास्ट सेल में कुछ सेल मॉडिफाइड, जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है मतलब फाइब्रोब्लास्ट सेल है कुछ सेल ये मॉडिफाइड हो जाती है ऑस्टियोब्लास्ट, और ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो होती है किरना बोन बोन को मारने में मारती है। फिर इसके फंक्शन देखने लिए फाइबर फॉर्मेशन और मैट्रिक्स सिक्रेशन, यही दोनों पॉइंट है आगे के, ठीक है। ये हो गया हमारा इसके बारे में कंप्लीट। फाइब्रोब्लास्ट के बारे में कोई दिक्कत है क्या? फाइब्रोब्लास्ट के बारे में पूरा समझ में आ गया ना, मतलब हमारी बॉडी में सेलों का एक्टिव टिश्यू होता है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं फाइब्रोब्लास्ट, यहाँ से बहुत सारे फाइबर्स निकलते हैं, यहाँ से बहुत सारे फाइबर्स निकलते हैं ये वाले, और ये अटैच हो जाते हैं मसल्स वगैरह से, है ना, जो कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। जैसे बोन होती है ना तो बोन अपने मसल्स से कैसे जुड़ी हुई है, बीच में हड्डी है, हड्डी में मसल्स जुड़ी हुई है ना, तो यही फाइबर से अटैच रहती है, ठीक हुआ। आ जाइए अब हम देखेंगे प्लाज्मा से, क्या देखेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो प्लाज्मा सेल क्या होती है, स्मॉल इन साइज एंड नंबर स्मॉल मतलब लेस, मतलब कि एक तो साइज भी छोटा होता है और इसके नंबर भी बहुत कम होते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट अभी बताऊंगा, ये इन सारे पॉइंट के इंपॉर्टेंट है, इसके मतलब इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, हर पॉइंट सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जाइए इसमें प्लाज्मा सेल में स्मॉल इन साइज नंबर कम होता है, अमीबॉइड शेप होती है याद रखिएगा, एक शेप होता है और ये अमीबॉइड शेप होता है। उसके बाद स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है जिसको कार्टिलेज सेल बोलते हैं, जब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, जैसे मान लीजिए हो गया अमीबॉइड सेल, क्या हो गई अमीबॉइड सेल, ये बना नहीं होता है नहीं बनाते, अमीबॉइड सेल का जो न्यूक्लियस होता है कुछ ऐसा होता है, इसमें जैसे गाड़ी के पहिया नहीं होता, तो गाड़ी के पहिए जैसे इसमें सारे के सारे पॉइंट्स याद रखना है, क्लियर हुआ। तो कनेक्टिव टिश्यू के दो सेल